इस फिल्म में हम देखेंगे कि कैसे एक प्यासी लड़की अपने भाई को अपने साथ सोने के लिए सड्यूस करती है, और इस लड़की ने अपने भाई से एक राज भी छुपाया होता है, और ये राज क्या होता है हम इस वीडियो में देखेंगे। इस मूवी का नाम है नताशा और इसे IMDb पर रेटिंग मिली है 6.1। फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं मार्क को जो 16 साल का होता है और अपने दोस्तों के साथ पार्टी करता है। पार्टी करने के बाद मार्क अपनी एक दोस्त के साथ इंटीमेट भी होने वाला होता है, पर वो लड़की उसे रोक देती है, यानी फिल्म के शुरुआत में ही बंदे का कट जाता है। इसके बाद मार्क सभी संस्कारी लड़कों की तरह घर जाकर पोर्न देखता है और रात में हिलाने के बाद सो जाता है। अगले दिन मार्क की मॉम उसे जगाती है और उसे बताती है कि उसके अंकल आज उन लोगों से मिलने आने वाले हैं। बाद में मार्क के अंकल अपनी होने वाली वाइफ जीना के साथ उनके घर पर आते हैं। जीना असल में रशिया से आती है। जब वो सब लोग एक साथ बैठकर लंच कर रहे होते हैं तब मार्क का ध्यान बार बार जीना के ब्रेस्ट पर ही जाता है। बाद में मार्क की सिस्टर मार्क को बताती है कि कैसे सबका ध्यान बार बार जीना के ब्रेस्ट पर ही जा रहा था। उसने आज बहुत रिवीलिंग कपड़े पहने थे, पता नहीं वो कैसे टाइप की औरत है। तभी उनकी मॉम वहाँ पर आती है और कहती है कि शायद ये रशिया का फैशन होगा, इसमें शायद जीना की कोई गलती नहीं और शायद रशिया की लड़कियाँ वैसी ही होती है। जीना की इसके पहले भी एक शादी हो चुकी होती है और उसकी पहली शादी से उसकी एक बेटी भी होती है, जिसे लाने के लिए जीना वापस रशिया जाती है। कुछ दिनों के बाद वो सब लोग जीना और उसकी बेटी को लेने के लिए एयरपोर्ट पर जाते हैं। वहाँ पर मार्क मिलता है जीना की बेटी नताशा से जो 14 साल की होती है। कुछ दिनों के बाद मार्क के अंकल और जीना की शादी हो जाती है, तब मार्क बस नताशा को ही देखते रहता है। तब नताशा वहाँ पर बैठकर बोर हो जाती है। शादी के बाद सब लोग मार्क के घर में वापस जाते हैं, तब मार्क नताशा को अपना घर दिखाता है। मार्क उसे अपने रूम में लेकर जाता है, तब नताशा उससे पूछती है कि तुम अपने रूम में क्या क्या करते हो। मार्क उसे कहता है कि मैं तो बस यहाँ पर टीवी देखता हूँ और पढ़ाई करता हूँ। तब नताशा उससे पूछती है कि क्या तुम अपने रूम में किसी लड़की के साथ कभी सोए नहीं हो। तब मार्क ये सुनकर चौंक जाता है और पूछता है कि तुम तो बस 14 साल की हो, तुम ये बातें कैसे कर सकती हो, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती। तब नताशा कहती है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैंने अब तक 100 बार कर चुका है, और अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ भी कर सकती हूँ। मार्क उसे कहता है कि हम लोग अब कजिन्स हैं और मेरे अंकल ने तुम्हारी मॉम से शादी कर ली है। तब नताशा कहती है कि मेरी मॉम बहुत घटिया औरत है, वो बहुत से आदमियों के साथ कर चुकी है और मैंने उसे बहुत से आदमियों के साथ करते हुए देखा भी है। मार्क इस पर कुछ नहीं कहता और नताशा बस उसे देख कर हंसने लगती है। कुछ दिनों के बाद मार्क की मॉम उसे कहती है कि तुम्हें नताशा का ध्यान रखना होगा, वो इस देश में पहली बार आई है और यहीं पर अपनी पूरी ज़िंदगी बिताने वाली है, यहाँ पर उसका कोई दोस्त भी नहीं है, इसलिए तुम उसके साथ टाइम स्पेंड करो और वैसे भी वो तुम्हारी कज़न है। अगले दिन मार्क नताशा के घर पर जाता है, जहाँ पर जीना उसे बैठने के लिए कहती है और उसके साथ बातें करती है और उसे बताती है कि नताशा बहुत अलग लड़की है, वो हमेशा अकेले रहती है, इसलिए अगर नताशा उसे गुस्सा हो जाए तो मार्क को बुरा नहीं मानना चाहिए। इसके बाद जीना नताशा को बुलाती है पर उनके बीच किसी बात का झगड़ा चल रहा होता है, इसलिए नताशा गुस्से में वहाँ से चली जाती है। तब मार्क भी उसके पीछे जाता है। बाहर में नताशा मार्क को बताती है कि वो अपनी मॉम की तरफ देखना भी नहीं चाहती, वो अपनी मॉम से बहुत नफरत करती है, उसकी मॉम ने उसे यहाँ पर लाकर उसकी लाइफ बर्बाद कर दी है। इसके बाद मार्क उसे अपने दोस्त रूफस के घर में लेकर जाता है और उससे मिलने के बाद नताशा बस उसी के बारे में पूछती रहती है। तब मार्क नताशा को बताता है कि रूफस अकेला रहता है क्योंकि उसके पेरेंट्स दूसरे देश में घूमने गए हैं। इसके बाद वो लोग एक साथ लंच करते हैं और म्यूजिक भी सुनते हैं। मार्क नताशा को उसके घर तक छोड़ देता है और नताशा उससे कहती है कि कल मैं तुम्हारे घर आऊंगी। फिर हम देखते हैं कि अगले दिन नताशा मार्क से मिलने पहुंच जाती है। वो लोग कुछ देर बैठकर बातें करते हैं और मार्क उसे बताता है कि वो कौन सी बुक पढ़ रहा है। इसके बाद वो लोग साइकिलिंग करने बाहर जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि मार्क अपने दोस्तों के साथ मिलकर मैरिजुआना यानी कि गांजा बेचता है और इस बारे में नताशा को पता चल जाता है और वो उससे पूछती है कि क्या मैं भी थोड़ा सा मैरिजुआना स्मोक कर सकती हूँ। अगले दिन नताशा फिर से उसके घर पर जाती है, तब मार्क उसके लिए थोड़ी सी वीड लेकर आता है और पहले वो खुद स्मोक करता है और फिर नताशा को भी अपने साथ स्मोक करवाता है। फिर नताशा मार्क की परमिशन को लेकर उसके लैपटॉप को शुरू करती है, पर तभी लैपटॉप में अचानक से पॉर्न वीडियो शुरू हो जाती है जो मार्क बंद करना भूल गया था, और ये देखकर नताशा को बड़ा मज़ा आता है। तभी नताशा लैपटॉप को लेकर मार्क के पास आती है और उसे कहती है कि मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ। फिर नताशा उसे अपनी खुद की न्यूड फोटोज़ दिखाती है और बताती है कि वो खुद भी पॉर्न वीडियोज़ बनाती है। नताशा उसे पूछती है कि क्या तुम मेरे साथ करना चाहते हो, और मार्क के जवाब देने से पहले ही नताशा अपनी ब्रा उतार देती है और फिर मार्क के सामने अपनी अंडरवेयर में खड़ी हो जाती है और कुछ देर बाद वो अपनी अंडरवेयर को भी निकाल देती है। नताशा उसे किस करने लगती है और वो लोग वहीं पर मार्क के रूम में इंटीमेट होते हैं। नताशा मार्क को बताती है कि वो 12 साल की थी तब से वो ये काम कर रही है क्योंकि उसे इसके अच्छे पैसे मिल जाते हैं। नताशा उससे कहती है कि उसकी मॉम को भी इस बारे में पता चल गया था। उसकी मॉम ने उसे कुछ कहा तो नहीं, पर वो नताशा के कमाए हुए पैसों के पीछे पड़ गई थी, इसलिए नताशा को ये सब काम बंद करना पड़ा, और तभी से उन लोगों के बीच कुछ भी सही नहीं चल रहा।
इसके बाद मार्क और नताशा एक दूसरे के साथ और भी ज्यादा टाइम स्पेंड करने लगते हैं। यहाँ तक कि वो दोनों एक दूसरे के साथ नहाते भी है और भी ज्यादा इंटीमेट होते हैं और मार्क उसे पसंद भी करने लगता है। मार्क उसे अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने लेकर जाता है और उसे पूरा शहर भी घुमाता है। कुछ टाइम के बाद मार्क के अंकल और जीना बाहर में घूमने जाते हैं, इसलिए नताशा मार्क के घर में ही रुकी होती है। रात में नताशा उसे गुड नाइट बेबी मैसेज सेंड करती है और कुछ देर के बाद उसी के रूम में चली आती है क्योंकि वो कहती है कि उसे नींद नहीं आ रही। नताशा और मार्क बाहर में घूमने जाते हैं, तब नताशा उसे कहती है कि मुझे तुम्हारे घर में रहना बहुत अच्छा लगता है, काश कि मैं यहाँ पर अपनी पूरी जिंदगी रह सकती। मार्क उसे कहता है कि तुम जब चाहो यहाँ पर रहने आ सकती हो। नताशा उसे बताती है कि उसकी मॉम मार्क के अंकल को धोखा दे रही है और अभी भी उसका नताशा के डैड के साथ अफेयर चल रहा है। नताशा कहती है कि मैंने तुम्हारे अंकल को सब कुछ बता दिया पर फिर भी तुम्हारे अंकल ने मुझ पर भरोसा नहीं किया और मेरी मॉम की झूठी बातों में आकर मुझे झूठा समझने लगे। इसके बाद जीना और मार्क के अंकल वापस आ जाते हैं और नताशा को अपने साथ चलने कहते हैं, पर नताशा उनके साथ नहीं जाती और कहती है कि मुझे यहीं पर रहना है, मुझे यहाँ अच्छा लगता है। तब जीना उससे कहती है कि मुझे पता है कि तुम्हें ये जगह क्यों पसंद है और मुझे ये भी पता है कि तुम इस लड़के के साथ क्या क्या करती हो। ये सुनते बराबर नताशा को बहुत गुस्सा आता है और वो जीना को मारने लगती है, मगर मार्क के डैड उसे रोक देते हैं। फिर नताशा को जीना के साथ वापस जाना ही पड़ता है। अगले दिन मार्क उससे मिलने जाता है, तब जीना उसे कहती है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, ये सब नताशा की गलती है, वो तो जवान आदमियों के साथ भी सोती है और तुम तो बस अभी छोटे बच्चे हो। जीना मार्क को कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ और उसे नताशा से मिलने भी नहीं देती है और दरवाजा बंद कर देती है। कुछ टाइम के बाद नताशा देर रात को मार्क के घर में अपना पूरा सामान लेकर पहुंच जाती है और उससे कहती है कि वो फ्लोरिडा के लिए निकलने वाली है और क्या मार्क भी उसके साथ चलना चाहेगा। नताशा कहती है कि जीना और मार्क के अंकल की बीच की शादी टूट चुकी है, मेरी मॉम ने तुम्हारे अंकल को छोड़ दिया है और ये सब मेरी वजह से हुआ है क्योंकि मैं जानबूझकर तुम्हारे अंकल के साथ सोई थी ताकि उन दोनों के बीच झगड़ा हो जाए और वो लोग एक दूसरे से अलग हो जाए, क्योंकि मैं अपनी मॉम के हाथों तुम्हारे अंकल की लाइफ को बर्बाद होते नहीं देखना चाहती थी। उसकी बातें पूरी होने के बाद मार्क उसे अपने घर में लेकर जाता है और उसे रात भर वहाँ पर रुकने देता है। सुबह होते बराबर मार्क उसे अपने बचाए हुए पैसे देता है ताकि वो अच्छे से जा सके। फिर नताशा सुबह सुबह ही अपना सामान लेकर वहाँ से चली जाती है। मार्क की फैमिली के लोग परेशान हो रहे होते हैं कि कैसे उसके अंकल ने अचानक से अपनी शादी तोड़ दी, क्योंकि उन लोगों को सच बात का कुछ पता ही नहीं होता और मार्क भी उन्हें कुछ नहीं बताता। मार्क का दोस्त रूफस उसे बार बार कॉल करता है पर मार्क उसके कॉल उठाता ही नहीं। कुछ दिनों के बाद मार्क अपने दोस्त रूफस के घर पर जाता है और देखता है कि नताशा उसके दोस्त के घर में ही रहने चली गई है। रूफस उससे कहता है कि मैंने तुम्हें यही बताने के लिए कितने बार कॉल किया पर तुमने मेरा कॉल उठाया ही नहीं। रूफस उससे कहता है कि नताशा मेरे पास सेफ रहेंगी। तभी नताशा वहाँ पर आती है और मार्क को गुस्से से देखती है। तब मार्क गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है और अपने घर वापस लौट जाता है क्योंकि वो समझ जाता है कि उसका फिर एक बार कट चुका है और ये फिल्म यहीं पर एंड हो जाती है।